नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वह इन दिनों दिल्ली के बड़े विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। बताया जा रहा है कि साल 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के बाद अब पूरे देश में खेला होगा। ममता बनर्जी की बात से साफ जाहिर होता है कि वह साल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दे रही हैं। आइए जानते हैं कि ममता बनर्जी कितनी संपत्ति की मालकिन हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से दावेदारी पेश की थी। आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें अपनी ही सीट से उनके बागी नेता ने विधानसभा चुनाव में हरा दिया था, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके कारण वह बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाई। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन द्वारा लिए गए शपथ पत्र में ममता बनर्जी ने अपनी कुल संपत्ति 1,67,02,000 बताई है। विशाल 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह संपत्ति 30,45,000 रुपए बताई थी। देखा जाए तो पिछले 5 साल में ममता बनर्जी की संपत्ति में लगभग 14 लाख रुपए की कमी आई है। इलेक्शन कमीशन को दिए गए शपथ पत्र में 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने साल 2019-20 में अपनी सालाना इनकम 1,34,000 बताई थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा था कि उनके पास केवल 69,000 की केस मौजूद है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को दिए शपथ पत्र में बताया कि उनके 2 बैंक खातों में 13,53,000 रुपए जमा है। इसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास लगभग 46,000 रुपए की ज्वेलरी भी है। बंगाल की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, ना ही कोई गाड़ी उनके नाम से रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके नाम कोई भी मकान या खेती की जमीन नहीं है। वहीं साल 1962 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के योगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करने वाली ममता बनर्जी के पास इस्लामी इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है और आज तक ममता बनर्जी के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।